लाहौर स्टेशन से खुशामदी। आए जी देखते हैं 7 अप तेजगाम की एसी स्लीपर क्लास। पुरानी एसी स्लीपर को लेकर काफी मायूसी हुई है, तो देखने में कोई इतनी इम्प्रेसिव नहीं लग रही। गुजरावाला पहुंच गए हम 7 अप तेजगाम पे। आज का सफर होगा लाहौर से रावलपिंडी 7 अप तेजगाम में और एसी स्लीपर क्लास में। तो आइए चलते हैं ट्रेन में। मेरी है EL2। आप आगे इसमें सीट है आज मेरी। आए जी देखते हैं 7 अप तेजगाम की एसी स्लीपर क्लास। माशाल्लाह ये है जी इसकी 2% एसी क्लास। एसी इस वक्त मस्त चल रहा है, चील मोल बना हुआ है, फैन भी ऑन कर लिया था मैंने। पुरानी कोच है जी, नई वाली नहीं है, पुरानी कोच है जी। तो नई वाली में जरा सीट और तरह की है, सामान रखने के लिए जगह यहाँ पर सामान रखा हुआ। अटैच बात है साथ। टेबल और ये इसका कॉरिडोर है। लाहौर से रावलपिंडी तक इसका जो किराया है वो है 1200 रुपये। पुरानी एसी स्लीपर कोच देखकर काफी मायूसी हुई है, तो देखने में कोई इतनी इम्प्रेसिव नहीं लग रही। एसी स्लीपर की क्लास गालिबन पुरानी कोच है, तो देखते हैं कैसा सफर रहता है आज। अंदर बैठ के तो बाहर की वीडियो नहीं बन सकेगी क्योंकि ग्लासेस जो हैं वो बहुत डल हैं। ये देखें क्लियर नजर नहीं आ रहा कुछ। लाहौर से चल पड़ी है 7 अप तेजगाम, कराची से तकरीबन आई है तकरीबन 3 घंटे लेट।
लुधियानवाला पहुंच गया हूं, सेवन अप तेजगाम पे। इस साइड पे जा रही है जनाब 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची, और ये है सेवन अप तेजगाम कराची से रावलपिंडी। वजीराबाद पहुंच चुकी है सेवन अप तेजगाम, मगरिब की अजानें भी हो रही हैं। नाला मुसा पहुंच गए हैं जी, काफी लेट चल रही है ट्रेन। गुजरात लाला मूसा झेलम और सहावा के पहाड़ों से होती हुई ट्रेन तकरीबन रात 10 बजे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। दोस्तों ये था हमारा लाहौर से रावलपिंडी का सफर सेवन अप तेजगाम की एसी स्लीपर क्लास में। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।